Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am your Anushka ma'am और आज हम क्या करने वाले हैं, हम मोल कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, राइट? तो अभी तक अगर हम बात करें तो हम मोल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं. बेसिकली हम ये सीख चुके हैं कि मोल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अगर हमें कोई नंबर गिवन हो. जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ दैट आई हैव 12.044 into 10 raised to the power 23 atoms of oxygen, right? तो अब अगर आपके पास में इतने atoms of oxygen है, तो आपके पास में कितने moles of oxygen है? तो वो हम कैसे find out कर सकते हैं? हमें पता है that number of moles is equal to given number of entity divided by the Avogadro number. तो basically मुझे सिर्फ और सिर्फ इस number को क्या करना है? Divide करना है to the Avogadro number, and also we know that Avogadro number is 6.022 into 10 raised to the power 23. राइट तो इसको जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12.044 डिवाइडेड बाय 6.022. यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 23 है, यहाँ पर 23 है, तो ये कैंसिल होगा और ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स 2. राइट तो ये चीज तो हमें समझ आ चुकी है, बट जरूरी तो नहीं कि हर बार आपको नंबर ही गिवन हो, राइट? तो अब हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैम, ये समझना है. तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं. We know that atomic mass क्या होता है? Also, हमें पता है कि molar mass क्या होता है, right? Molar mass basically क्या है? Mass है किसी भी entity का of one mole, right? यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि one mole oxygen है, right? तो one mole oxygen का mass कितना होगा? Molar mass कितना होगा? हमें पता है it is 16 grams per mole, यानी कि हर एक mole का mass होगा 16 grams. सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि वन मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा, तो यू से 14 ग्राम्स पर मोल. यस, तो यार अब हम इस चीज को समझेंगे कि अगर इसी तरह से, जिस तरह से हमने नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ एंटिटी ढूंढा था, सेम उसी तरह से अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, राइट? यस, तो यार लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन कोई चीज जो होगी उसको डिवाइड करेंगे ना कोई रेफरेंस वैल्यू से, राइट? तो अब अगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, तो मान लो मैंने आपको ऑक्सीजन की ही बात करते हैं, मान लो मैंने आपको 32 ग्राम्स ऑक्सीजन दिया. अगर मैं आपको 32 ग्राम्स ऑक्सीजन दे रही हूँ और पूछ रही हूँ कि कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो आप क्या बोलोगे? आपको पता है कि एक मोल का मास जो होता है वो कितना होता है, 16 ग्राम्स होता है. एक मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम्स होता है, राइट? तो मैम अगर आपके पास में 32 ग्राम्स है, तो आप क्या कहोगे? यार अगर 16 एक मोल का होता है, ठीक है, तो 1 कितने का होगा? 1/16 का होगा. और अगर आप 32 ग्राम्स की बात कर रहे हो, तो 1/16 into 32 which is equal to 2, यानी कि मैम 2 मोल्स का मास होगा 32 ग्राम्स, राइट? तो आपने ये क्या किया, ये तो नॉर्मल मैथ्स की ना जो हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, बस वही यहाँ पर यूज करना है. ये किसके लिए था? ऑक्सीजन के लिए था. अगर मैं इसी तरह से बोल देती कि आपके पास में 32 ग्राम्स हीलियम है, तो मुझे बताओ कि कितने मोल्स होंगे, ठीक है? अगर आप हीलियम के एक मोल का मास की बात करेंगे, देन दैट इज 4 ग्राम्स पर मोल, राइट? तो आप बोलोगे कि मैम अगर 4 ग्राम्स हीलियम एक मोल का मास होता है, तो एक ग्राम कितने का होगा? 1/4 होगा मैम. Yes, और अगर आप यहाँ पर 32 की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे 1/4 into 32 which is equal to what ma'am, 8 moles का mass जो होगा helium के, वो होगा 32 grams. तो आप क्या देख रहे हैं कि यार जैसे ही mass जिस element का, जिस atom का पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मोलर मासेस रखने हैं. यानी कि इस बार रेफरेंस वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, इस बार रेफरेंस वैल्यू चेंज होती रहेगी, डिपेंड करेगी कि हम किसके मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहां से मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पर तो जो गिवन मास है वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
राइट, लेकिन इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड जो रेफरेंस वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि आप किसके मोल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वो जो रेफरेंस वैल्यू होगी वो होगी मोलर मास। किसका मोलर मास? जिसका पूछा गया है उसी का मोलर मास हमें यहाँ पर रखना है। क्लियर है? तो यानी कि नंबर ऑफ, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला व्हिच इज गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो लेट अस से मैम ने आपको क्वेश्चन दिया दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2। चलो अब इसे कैसे करेंगे, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 88 ग्राम्स ऑफ CO2। तो जो ये मास गिवन है वो किसका गिवन है, वो तो मुझे इसका गिवन है ना CO2 का। तो सबसे पहली जो मैं चीज करूंगी वो होगा मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा। अगर आप कार्बन के मोलर मास की बात करेंगे तो दैट इज 12 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 यूज हो रहा है, यानी कि 16 × 2 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो यानी कि यहां से मुझे मोलर मास CO2 का मिल गया जो है 44 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, गिवन मास, मास मुझे गिवन है विच इज 88 ग्राम्स, यस, डिवाइड कर दो भाई इसको मोलर मास से, तो आंसर आ गया 2। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो चीज आपसे पूछी है उसी के अकॉर्डिंग। तो यानी कि अभी हमें एक नया फॉर्मूला मिल चुका है जो ये है, और फॉर्मूला याद तो करना ही नहीं है, अगर आप यूनिटरी मेथड करोगे तो भी ऐसे ही आ रहा है, राइट। तो दिक्कत तो आनी नहीं है, परफेक्ट। चलो अगर समझ आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दैट यू हैव 12.044 × 10^24 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन। चलो अब इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर मेरा अप्रोच देखना है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें बताया गया है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स है, तो जब भी मुझे नंबर ऑफ एटम्स दिए होते हैं तो मुझे पता है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर ऑफ एटम्स गिवन है दैट इज डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ, 12.044 × 10^24, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, एवोगाड्रो नंबर से, विच इज 6.022 × 10^23। परफेक्ट। यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये यहां कैंसिल हुआ तो एक 10 रह जाएगा, यानी कि 20 मोल्स जो है वो आ गए नाइट्रोजन के, ठीक है। अब मेरे पास में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ चुका है विच इज 20। परफेक्ट मैम, अब क्या करना है, अब आपको मास फाइंड आउट करना है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो यार मुझे एक और फॉर्मूला भी तो आता है, बिल्कुल आता है, क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। इस केस में जो मोलर मास होगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन होगा, राइट, यस। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ नाइट्रोजन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट कर रखे हैं, तो यानी कि ये वैल्यू तो आपकी 20 है, राइट। मास आपको नहीं पता तो इसको गिवन मास ही लिख लो, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अगर आप नाइट्रोजन के मोलर मास की बात करें तो वो तो हमें पता ही है, यस, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है उनके मासेस आपको बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर में उनके मार्क्स मोलर मासेस गिवन होंगे, तो आपको उनके मासेस याद रखने हैं, ठीक है। इसीलिए मुझे ये सारे मासेस इस तरह से याद है, तो धीरे धीरे विद टाइम आपको याद हो भी जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगर हम यहाँ पर मोलर मास देखें तो हमें मोलर मास नाइट्रोजन का पता है विच इज 14 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 14 से इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या मैं मास ऑफ नाइट्रोजन नॉर्मल वाला फाइंड आउट कर सकती हूँ, 20 × 14 विच इज इक्वल टू 280 ग्राम्स, राइट। तो यानी कि ये हमें हमारा आंसर मिल गया कि जो मास है
of 12.044 into 10 raised to the power 24 atoms of nitrogen, वो कितना आ गया? That is equal to 280 grams. Clear था? तो इस तरह से हमें इंटर कन्वर्जन करने भी आने चाहिए. अगर हम एक के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं तो उसी को हम दूसरे की टर्म में कन्वर्ट कर सके. तो जस्ट चेक कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया या नहीं, क्योंकि इसी को हम बेस बनाकर आगे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है अगर हमें अप्लाई करना आ जाए तो. एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, वहां से तीसरे में, एंड यू कैन फाइंड एनीथिंग यू वांट, राइट? यस, परफेक्ट. तो अगर ये समझ आया है तो वेरी गुड, क्योंकि अब आपको एक और क्वेश्चन करना है जो मैम आपको बताने वाली है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है. वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है. ट्राई करो कि खुद क्वेश्चन करो, अप्रोच मैम का लास्ट में देखो, राइट? और हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. हो सकता है कि आप कोई और अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें. तो अगर आपका अप्रोच डिफरेंट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका अप्रोच क्या था. आई वुड रियली लाइक टू नो, राइट? चलो अब हम इसे पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं इन 9 ml ऑफ वाटर. ठीक है, ओके मैम. हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना आता है कैसे? अगर हम ध्यान से याद करें तो यार हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना आता है जब हमें नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन होती हैं, राइट? तो हमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है. लेकिन अगर हमें मास गिवन होता है तो भी हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना आता है, राइट? तो मैम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर गिवन है, क्या करें, कैसे करें इस क्वेश्चन को? चलो देखते हैं. मुझे ये दो चीजों से फाइंड आउट करना आता है. अगर मैं किसी तरह से इनमें से किसी एक में कन्वर्जन कर दूं तो मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट? यस. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको वाटर गिवन है. वाटर गिवन है, यस. एक चीज हमेशा अपने पास माइंड में ऐसे लिख लो, हैशटैग लगा लो, कमिट टू मेमोरी कर लो कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है. ये कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो डेंसिटी होता है, दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर. क्लियर है? परफेक्ट. अब करना क्या है इसके आगे ये समझते हैं. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे 9 ml of water given and I know that density is equal to mass by volume. Clear है? Yes. अगर मुझे mass find out करना है तो यानी कि density into volume, कोई दिक्कत नहीं. Density यहाँ पर 1 है, volume अगर आप देखेंगे तो आपको 9 ml given है, right? तो यानी कि मैं इसको 9 से multiply कर दूंगी तो 9 grams जो है वो क्या आ गया? मेरा mass आ गया. और मुझे मास की टर्म्स में मोल्स फाइंड आउट करना आता है, राइट? तो अब अगर मैं यहाँ पर मोल्स फाइंड आउट करूँ तो मास मुझे गिवन है 9 डिवाइडेड बाय दी मोलर मास. अगर आप वाटर के मोलर मास की बात करेंगे तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप वाटर के नंबर ऑफ मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ वाटर कैसे आएगा? H2O है, हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस 16 व्हिच इज इक्वल टू 18 ग्राम्स पर मोल जो है ना, वो आपका मोलर मास आता है वाटर का, राइट? तो यानी कि यहाँ पर मुझे इसे 18 से डिवाइड करना है व्हिच इज 1/2. तो नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए वो कितने आ गए? 1/2, दैट इज हाफ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं. परफेक्ट, यस. तो यार इतना तो मुझे समझ आ गया मैम. अब नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए हैं, लेकिन क्या मुझसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा है? नहीं, मुझसे पूछा है कि यार इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. अब इसको कैसे करेंगे? चलो सोचते हैं. अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O की बात करते हैं, वन मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, यानी कि अभी मैं सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1. हमें पता है एक न्यूट्रल एटम के अंदर, ये बात हमेशा याद रखना कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यानी कि अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है. तो न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी 1 ही होंगे, राइट? सिमिलर
सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, राइट नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिए क्योंकि केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है एंड अब आप याद करे बिना नहीं रह सकते, राइट क्योंकि हर जगह यूज होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कर लेते हैं ना याद। यस, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी पेन गिर गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है तो यहां आ जाएगा 8, परफेक्ट। यस, अब ये 8 आ गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। तो यानी कि यहां से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में पता चल चुके हैं। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो 1 × 2 कर दूं क्योंकि दो हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है यानी कि 8, तो 8, 9, 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके एक मॉलिक्यूल में। अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 6.022 × 10⁻²³ से, है ना। यानी कि मैं क्या कह सकती हूं दैट एक मोल होता है ये वाला वैल्यू, यस, तो यानी कि 1 मोल H2O में कितने हो जाएंगे, 10 × एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अभी तक कोई डाउट नहीं? तो अगर एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हाफ मोल में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड, राइट, तो यहां हम लिख देंगे दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज 1/2 इनटू जो हमने अभी फाइंड आउट किया कि एक मोल में कितने होते हैं व्हिच इज 10 × एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से हमें मिल जाएगा 5 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के पास में होंगे, राइट। ऑप्शन में 5 Na भी हो सकता है या फिर 5 × 6.022 × 10⁻²³ भी हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करके भी ऑप्शन हो सकता है, बट अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कोई डाउट नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, परफेक्ट। यस, तो बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, अगर ये क्लियर हुआ है, मैम साइड हो जाती है ताकि आप पूरा सॉल्यूशन देख सके, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो अब क्या करना है, अब मैम एक और क्वेश्चन देगी और आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 16 ml ऑफ CCl4। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मुझे अपना आंसर जरूर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्लियर। बिल्कुल पहले जैसा किया उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। क्या दिया है हमें, CCl4 दिया है, वॉल्यूम दी है, तो यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मास फाइंड आउट करना है। मास फाइंड आउट कर लेंगे, मास फाइंड आउट करने के बाद में गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट। फिर देख लो कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस, एक मोल में कितने होते हैं, यस, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल्स से, क्लियर है, परफेक्ट। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो यू कैन गो बैक, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी कॉन्सेप्ट के पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो उसको समझ लो और फिर इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, कॉमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना है, परफेक्ट। चलो, अब इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि मास की टर्म्स में अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ, राइट। नाउ नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हमें, लेट अस से मैंने आपको बोला दैट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं इसे एक बार कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, लेट्स से 22.4 लीटर ऑफ O2, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या समझना है, अब हमने मास की टर्म्स में, नंबर ऑफ एंटिटीज की टर्म में, इन सब की टर्म्स में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना सीख लिया है। ध्यान क्या रखना है दैट सबसे पहले तो एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं STP। STP क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर है, यस। तो यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर हमेशा 1 atmosphere होता है और टेम्परेचर हमेशा 273 Kelvin होता है। और आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि वॉल्यूम जो होती है गैस की,
या फिर इनफैक्ट वॉल्यूम जो होती है इन जनरल वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, वो फंक्शन होती है ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर आप दोनों चीजों को सेम कर दोगे, कॉन्स्टेंट कर दोगे, तो वॉल्यूम जो होती है वो भी कॉन्स्टेंट हो जाती है, राइट। और एसटीपी कंडीशंस के ऊपर वन मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। अब ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम यही वैल्यू क्यों, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये हम हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एसटीपी कंडीशंस पे एक मोल ऑफ गैस जो होती है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये वॉल्यूम कैसे आती है, वो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन से आती है, फिर भी बता देती हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आती है। बट आपको अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये हम फिफ्थ चैप्टर दैट इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर उसके अंदर पढ़ेंगे। परफेक्ट, यस। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि एक मोल ऑफ गैस जो होती है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट एसटीपी कंडीशंस। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मोल्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिख देते हैं मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट, यस। तो अब हमें यहाँ पर क्या समझना है, अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले तो हमें कुछ वॉल्यूम गिवन होगी, वो तो सबसे ऊपर आएगी, यानी कि यहाँ आ जाएगा गिवन वॉल्यूम। यस मैम, इतना तो हमें क्लियर हो गया है। जल्दी से सोच के बताओ कि इस बार रेफरेंस वैल्यू क्या होगी, पहली बार क्या थी, वन मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एंटिटीज थी, मास के टर्म्स में क्या था कि एक मोल का कितना मास है, तो वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा कि एक मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, राइट। तो यानी कि वो तो 22.4 लीटर्स फिक्स है ना, मैंने यही बोला कि हर गैस एसटीपी कंडीशन पे ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो ये आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, राइट। तो चलो मैम, ये तो समझ आ गया। अब आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है ना, वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर यही हैशटैग लगा लो, कमिट टू मेमोरी कर लो, कि ये जो फॉर्मूला है वो आप सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए यूज कर सकते हो। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेबल ओनली टू गैसेस, सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल होता है, एंड सेकंड ओनली एट एसटीपी कंडीशन। ये दो पॉइंट्स आप नहीं भूल सकते हैं। आप नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूला से सिर्फ गैसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सिर्फ वही गैसेस जो एसटीपी कंडीशन पे हैं। यानी कि एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ तभी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, परफेक्ट। तो अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ O2। गिवन क्या होना चाहिए कि भाई एसटीपी कंडीशंस हैं या नहीं, तो यस एसटीपी कंडीशंस हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे, चलो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, तो गिवन वॉल्यूम 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आए आपके O2 गैस के वो आ गए 1। क्लियर है, यस। तो चलो अब अगर आपको क्वेश्चन आ गया, वाओ क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, तो क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैम साइड हो जाएंगी। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मास ऑफ CO2। CO2 एक गैस है, उसकी आपको मास फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी फाइंड आउट करना है इन 44.8 लीटर्स ऑफ CO2 एट एसटीपी। ये क्वेश्चन अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं सब यूज हो गए, यानी कि हर एक चीज का यूज यहाँ पर हो रहा है, परफेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, तो आपको वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद करना है, ताकि आपको समझ आए कि कितने टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्लियर है।
राइट तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमें बोला गया है दैट कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 44.8 लीटर्स ऑफ CO2. तो यानी कि मुझे वॉल्यूम गिवन है. तो जब मुझे वॉल्यूम गिवन है, STP कंडीशन गिवन है, CO2 गैस है, यस, तो यानी कि वो जो दो कंडीशंस मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए वो है. तो यानी कि मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? गिवन वॉल्यूम 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4 विच इज इक्वल टू 2. तो यानी कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 2 मिल चुके हैं. ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि मुझे मास कैलकुलेट करना है. मुझे पता है कि जब भी मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करती हूँ तो गिवन मास डिवाइडेड बाई दी मोलर मास होता है. इस बार जो मोलर मास होगा वो किसका होगा? CO2 का होगा, यस. तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स देखें तो वो तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 2, यस. और अगर आप मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास CO2 का कितना होता है? चलो अगर हम यहाँ पर मोलर मास ऑफ CO2 की बात करें तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम्स पर मोल, यस. ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, तो इनटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 है, यस. तो ये आ जाएगा 44 ग्राम्स पर मोल. तो मैम क्या करो, 44 से डिवाइड कर दो. चलिए कर देते हैं, तो यहाँ 44 आ जाएगा. तो क्या आप मास ऑफ CO2 फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 into 44 which is equal to 88 grams. क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, परफेक्ट. लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? अभी तक नहीं हुआ है. अभी आपसे ये भी पूछा है कि आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी बताने हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो अब हम इसे देखते हैं. अगर हम यहाँ पर बात करें तो यार जब एक मॉलिक्यूल होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, जब मेरे पास एक मॉलिक्यूल CO2 होता है तो दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, है ना? जब एक मॉलिक्यूल होता है तो दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. अगर एक मोल CO2 होगा That is 6.022 into 10 raised to the power 23 CO2s होंगे, तो कितना ऑक्सीजन एटम्स होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल ही तो होगा हर बार, यस. तो यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे. अगर 2 मोल बोला है यानी कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है तो 2 एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. किसमें? 1 मोल में. मेरे पास कितने मोल्स हैं CO2 के? 2. तो यानी कि 2 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे? 2Na into 2 करना पड़ेगा, डबल होगा ना, यस. तो यानी कि 2 into एवोगैड्रो नंबर into 2 ऑक्सीजन एटम्स. तो दिस मींस व्हाट? 4 एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. और आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, यस. तो यानी कि 4 into 6.022 into 10 raised to the power 23 which is equal to 88.0.464 24.088 into 10 raised to the power 23 of oxygen atoms. Clear है? तो इस तरह से हम इस question को solve कर सकते थे. Clear है? Perfect. तो यार इतना आसान है अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है. और यही तीन तरीकों से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना आता है तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, यस. बहुत इजी है, परफेक्ट. तो चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने ना मोल कैलकुलेट करना सीखा है, हमने ये समझा है कि मोल होता क्या है, राइट. तो अगर आप यहाँ पर मोल की बात करेंगे तो आप मोल को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं तीन अलग अलग तरीके से. अगर आप यहाँ पर बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन एंटिटी डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर, राइट. इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑल्सो अगर हमें मास गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स? जो भी हमें गिवन मास है उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से. तो दिस इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, राइट, परफेक्ट. अब अगर हमें ये भी नहीं गिवन तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम गिवन होगी अगर हमें तो हम वॉल्यूम की टर्म्स में भी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, विच इज गिवन वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, राइट, मोलर वॉल्यूम या फिर 22.4, इसे मैं एक बार ऐसे भी लिख देती हूँ, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, क्योंकि हर बार आपकी जो मोलर वॉल्यूम है एक मोल ऑफ गैस की इतनी ही आएगी, परफेक्ट। इसके लिए और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशंस है क्या, ओनली फॉर गैसेस एंड ऑल्सो एट एसटीपी कंडीशंस, राइट, ये दो चीजें होंगी तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, परफेक्ट। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सभी क्वेश्चंस हम आसानी से कर लेंगे क्योंकि हमें मोल कैलकुलेट करना आ चुका है, परफेक्ट, यस। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट, परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।